स्वागत है आप सभी का आज के डेली जॉब्स अपडेट्स में। आज का डेली जॉब अपडेट यहाँ पर MMRDA की तरफ से है मुंबई मेट्रो के लिए। यहाँ पर मोर देन 1000 वैकेंसीज यहाँ पर अलॉट की है उन्होंने। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है तो बाकी सारे एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर फ्रेशर्स में बता दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड IT वालों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका है। उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज उन्होंने अलॉट की है। और बच्चे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, यहाँ पर हालांकि उनके लिए फ्रेशर्स में कुछ इतनी वैकेंसीज तो नहीं है। एक्सपीरियंस में इनके लिए अच्छा मौका हो सकता है और एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पर एक अच्छा चांस है। उनके लिए कोई फीस वगैरह नहीं होगी। जिस पोस्ट में ग्रेड पे 4800 के ऊपर रहेगा उसके लिए कोई फीस वगैरह आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पर आपका कुछ रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं लिया जाएगा, सीधा इंटरव्यू एंड पोस्टिंग रहेगी। ओके, अब बात करता हूँ फ्रेशर्स की। तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम पोस्ट उनके लिए अवेलेबल है। एंड मैकेनिकल, सिविल, टेली कम्युनिकेशन इनके लिए भी अवेलेबल है। कमर्शियल असिस्टेंट एंड एज अ जूनियर इंजीनियरिंग के लिए उनके लिए फ्रेशर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डिग्री डिप्लोमा बेस के ऊपर। तो जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रोज़ाना वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो महाराष्ट्र में रहते हैं खास करके उनके लिए कास्ट कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी जो भी ऑप्शन रहता है वो ऑन हो जाएगा। बाकी अदर स्टेट के लोगों के लिए यहाँ पर एज ए जनरल कैंडिडेट आपको फिलअप करना होगा फॉर्म। ओके, और एक क्राइटेरिया यहाँ पर कि जो 10th स्टैंडर्ड यानी कि SSC का जो भी आपने मीन्स SSC किया होगा उसके अंदर मराठी सब्जेक्ट होना आपका ज़रूरी है। ओके, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू कर दे। यहाँ पर मैं खाली फ्रेशर्स के ही जो भी पोस्ट है वही मैं आपको बताऊंगा। ओके, जैसे कि सबसे पहली स्टेशन मास्टर्स की है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं। आपको पे स्केल 9300 से लेकर 34800 तक दिया जाएगा डिग्री डिप्लोमा के बेस के ऊपर। ग्रेड पे आपको 4300 तक मिलेगा और मैक्सिमम एज यहाँ पर 38 ईयर्स है। एंड एज रिलैक्सेशन आपको कास्ट वाइज पता होगा। देन यहाँ पर सेकेंड पोस्ट आता है जूनियर इंजीनियर। ओके, यहाँ पर BE BTEC डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ओके, बाकी सब ग्रेड पे और पे स्केल सेम ही होगा। उसके बाद आता है ट्रेनी ऑपरेटर, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एंड IT वाले भी। ओके, देन आता है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है टेक्निकल टू में IT वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन कमर्शियल असिस्टेंट में यहाँ पर हालांकि कोई भी किसी भी ब्रांचेस से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कमर्शियल असिस्टेंट। ओके, इस पोस्ट के लिए आप कोई भी ब्रांचेस से आप अप्लाई कर सकते हो। देन आता है जूनियर इंजीनियरिंग स्टोर्स के लिए, यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतनी पोस्ट थी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जो भी पोस्ट यहाँ पर दिख रही होगी आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस नीडेड है। ओके, मैं PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको आराम से आप पढ़ सकते हो। ओके, डिटेल में आप इसकी स्टडी कर सकते हो। तो फिर मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। स्टार्ट 16 तारीख से होगा, लास्ट डेट यहाँ पर 7 अक्टूबर इन्होंने बताया हुआ है। फीस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ रहेगी, तो रिजर्व कैंडिडेट के लिए 150। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन है उनके लिए यहाँ पर कुछ फीस वगैरह तो उनको पे नहीं करनी है, जिनका ग्रेड पे उस पोस्ट के लिए 4800 तक होगा। ओके, 4800 या उससे ऊपर होगा। ओके, उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा और जो बाकी जो पोस्ट है उनके लिए रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। और एक बात, जो लोग बाहर अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद उनको 2 साल का पीरियड मिलेगा, उसके अंदर अंदर एक एग्ज़ाम उनको क्रैक करना होगा, वो कुछ मराठी लैंग्वेज के लिए होगी। ओके, वो अगर क्रैक करते हैं तो उनकी पोस्ट कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो वो दूसरे को
अलॉट कर दिया जाएगा। तो बस इसमें इतना ही था। डिटेल स्टडी आप मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है रिटन टेस्ट के लिए, लेकिन आपको MMRDA के सेक्शन में या साइट पे आपको उसका डिटेल स्टडी में आपको मिल जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे रोज़ाना अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट मिल पाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।